प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मम्मी, अरे मम्मी। हाँ हाँ बेटा, नीचे मम्मी। दया, मम्मी, अरे आई आई। दया, बाप बेटा मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते हैं। चल चल अबे, एक पल क्या, तेरे बगैर मैं पूरी जिंदगी निकाल सकता हूँ। अच्छा तो एक काम कर भाई, सामान बांध और गांव चला जा, बचाओ। बापू जी। मम्मी मेरे कपड़े दो। क्या भाई, पहले मेरे कपड़े दे। सब तैयार ही है। तैयार है क्या, इधर तैयार रखना चाहिए ना। ये लीजिए पहले आप रख लिया। ये लीजिए, ये लीजिए। दया ये क्या है? पापा ये तो मेरी शॉर्ट्स है। हाँ क्या रे, मेरे कपड़े लाना भाई जल्दी। हाँ हाँ पापा, चलो रेस लगाते हैं, कौन फास्ट कपड़े पहनता है। ये रेस वड़ी पहनने भाई, चुपचाप कपड़े भाई। ये लीजिए। हाँ ला। चल बेटा। मेरा बैट किधर गया? ये सामने पड़ा। ए भाई, पूरा वेकेशन तू क्रिकेट खेला है, है? अभी स्कूल खुलने में एक ही हफ्ता बाकी है। हाँ, अरे एक ही तो हफ्ता बाकी है, खेलने दो ना। ए जेठिया बबूचक, तू तो परीक्षा के वक्त भी गिल्ली डंडा खेलता रहता था, पूरे गांव में फिरकी की तरह घूमते रहता था। बोलो, खुद घूमते रहे और हम लोगों को वेकेशन में भी घुमाने के लिए नहीं ले गया। बापू जी बचपन की बात कर रहे हैं दया। हाँ लेकिन मैं अभी की बात कर रही हूँ। कम से कम मेरी माँ के घर अहमदाबाद तो ले जाते हैं। मेरी माँ का इसके लिए लगभग रोज फोन आता है, आओ बेटा आओ, बेटा बेटा आओ। लेकिन बेटा कहाँ से आए, बेटा को कोई ले जाए तो जाए ना बेटा। क्यों बेटा? बेटा आप खेलने जा रहे हैं। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय दादाजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे टप्पू, नाश्ता तो करके जा, नाश्ता। अरे आप बापू जी, मैंने आपको चाय दी पर नाश्ता देना ही भूल गई, अभी लाई हो। अरे दया, मेरा पैंट कहाँ है? अरे सोनू, टप्पू को बोलना आउट हो जाने के लिए। टप्पू अभी आउट हो जाना यार, आउट हो जाना, प्लीज प्लीज आउट हो जाना यार। टप्पू तू 3 दिन से बैटिंग कर रहा है, आउट तो हो। नहीं टप्पू, तू तो जूनियर मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन है, तू 6 मारा, कम ऑन टप्पू, कम ऑन। क्या 6 क्या मार, तू फील्डर होकर बैट्समैन का सपोर्ट कर रही है? टप्पू तू 6 मारा, बिंदा 6 मार, गोली बॉल डाल। फोर, यस फोर। अरे टप्पू यार, मैं थक गया, अभी मैं नहीं खेल रहा हूँ। हाँ यार टप्पू, मैं भी थक गया हूँ, बहुत थक गया टप्पू, प्लीज धूप भी बहुत है। हाँ टप्पू, बात तो सच है, बहुत धूप है। हाँ धूप तो बहुत है, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, तो मैं अपनी इनिंग डिक्लेयर करता हूँ। यस। हेलो बच्चों, इधर आओ, खेल खेल के थके ना सर, इसलिए मैं आपके लिए शरबत लाई हूँ, चलो। थैंक यू आंटी। ओके इधर। थैंक यू आंटी। धीरे धीरे। अरे पहले, अरे यहाँ पे देना यार, क्या कर रहा है। थैंक यू आंटी।
एंड यू आर सो स्वीट। पूरी सोसाइटी में आप और तारक अंकल ही हमें नहीं डांटते। बेड़े अंकल तो हमेशा डांटते रहते हैं। गोगी? अरे ऐसा नहीं बोलते। आंटी इसमें तो बर्फ ही नहीं है, थोड़ा बर्फ डालो ना। हाँ। बच्चों इतनी गर्मी में धूप में खेल रहे हो तो बर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप सब बीमार पड़ सकते हो। राइट आंटी, अब हम रात को क्रिकेट खेलेंगे, नाइट क्रिकेट। हाँ। रात को कैसे? जैसे आईपीएल में रात को क्रिकेट खेलते ना, वैसे हम सोसाइटी में लाइट लगा के क्रिकेट खेलेंगे। गुड आइडिया टप्पू। यू आंटी? एग्जैक्टली। अब हम रात को क्रिकेट खेलेंगे। ओके। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। देखो बच्चों अब ज्यादा धूप में मत खेलना, ठीक है? थैंक यू आंटी। गोली, गोली, चलो जल्दी आओ। मुझे नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। अगर तुम 5 मिनट में तैयार नहीं हुए ना तो तुम जैसे हो मैं वैसे लेकर जाऊंगी। गोली, कोमल आंटी कहाँ जाने की बात कर रही है? मम्मी कहती है रामपुर जाना है मेरे मामा के घर 15 दिनों के लिए। क्या, मामा के घर? मुझे तो मेरे सुंदर मामा के घर जाने में बहुत मजा आता है। हाँ गोली, ये तो खुशी की बात है। अरे नहीं, मुझे मामा के घर जाकर बोर नहीं होना है, मुझे यहाँ रहकर तुम लोग के साथ खेलना है। प्लीज टप्पू, कुछ ऐसा करना जिससे मेरा मामा के घर जाना कैंसिल हो जाए। डोंट वरी गोली, अब तुम्हारी मम्मी से टप्पू बात करेगा। कम ऑन फ्रेंड। आप अपने भाई के घर जा रहे हो? हाँ। लेकिन गोली यहाँ रहकर हमारे साथ खेलना चाहता है। आंटी प्लीज, गोली को यहाँ हमारे साथ रहने दीजिए ना, प्लीज। आंटी आप गोली को अपने साथ ले जाने के लिए कैंसिल कर दीजिए ना। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, आंटी प्लीज। क्या हुआ रोशन भाभी? अरे दया बेन, ये कोमल भाभी अपने भाई के घर जा रही है और साथ में गोली को भी ले जा रही है, पर गोली यहीं रहना चाहता है, वो नहीं जाना चाहता। हाँ। कोमल भाभी, गोली यहाँ रहना चाहता है तो फिर रहने दीजिए ना। हाँ, प्लीज। हाँ कोमल भाभी, बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो मान जाइए ना। हाँ। अरे हाँ कोमल भाभी, गोली मेरे यहाँ रहेगा। हाँ। नहीं नहीं नहीं, गोली मेरे घर पर रहेगा, मैं उसको मेरे घर पर खाना भी खिलाऊंगी। अरे क्या दया बेन, आपको क्या लगता है मैं उसको खाना नहीं खिलाऊंगी? गोली मेरे यहाँ ही रहेगा गोगी के साथ, गोली गोगी साथ साथ। एक मिनट, आप लड़िए मत, मैं हूँ ना, वो मेरे घर पे रहेगा। हाँ? अरे नहीं माधवी भाभी, मेरे घर, मेरे घर पे रहेगा। अरे नहीं नहीं, एक मिनट, आप तीनों लड़िए मत, गोली यहीं पर रहने वाला है। शाम को इसके चाचा चाची यहाँ पर आने वाले हैं। मैं चाहती थी कि गोली मेरे साथ आए, इसलिए कोशिश कर रही थी, पर मुझे पता था ये नहीं आएगा, इसलिए पहले से ही इसके चाचा चाची को बुला लिया। अच्छा। मम्मी मोंटू भी आने वाला है? हाँ मोंटू आएगा ना, देखो उसके साथ लड़ना मत, मिलजुल कर रहना। कोशिश करूंगा। आप तीनों को सिर्फ इसका ख्याल रखना है शाम तक। कोमल भाभी आप बेफिकर जाइए, गोली की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्यों? हाँ। थैंक यू दया भाभी। और हाँ गोली, अरे गोली कहाँ है? मम्मी। थैंक यू बेटा, सुनो ये है घर की चाबी, इसे ध्यान से रखना ओके, और चाचा चाची आ जाए ना तो मुझे फोन करना। ठीक है मम्मी। अपना ख्याल रखना। रिक्शा, टेक केयर बेबी, बाय बाय आंटी। अच्छा फोन करते रहना। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग हैं, हमारा ही बेटा है, बिल्कुल चिंता मत करना। तेरा मामा के घर जाना कैंसिल हो गया।
आई। टप्पू तैयार है बीड़े अंकल की डांट खाने के लिए। ओए टप्पू तू तो गया। ये टप्पू ए तुझे कुछ अच्छा काम आता नहीं है क्या? भेड़ अंकल टप्पू को क्रिकेट मस्त आता है। ये चुप रे छोटे सोड़ी। नमस्कार। और टप्पू कितनी बार तुझे समझाया कि ये सोसाइटी का कंपाउंड है, क्रिकेट का मैदान नहीं है। जो जोर जोर से शॉट खेलता है, जोर जोर से बॉल फेंकता है, किसी को बॉल लग जाता है तो अरे कितनी बार मेरी डांट खाएगा तू? हाँ तू कब सुधरेगा भाई? हाँ तुम्हें मेरी डांट खाने की आदत पड़ गई है क्या? कभी किसी का कांच तोड़ देते हो कभी... भीड़े इतनी गर्मी में अपने दिमाग को और गर्म क्यों कर रहा है? अरे पोपटलाल तुम जानते नहीं हो, मैं वहां से स्कूटर लेके आ रहा था तो इस टप्पू का फेंका हुआ बॉल मेरे सर पर जाकर लग गया, मेरा बैलेंस चला गया और मैंने स्कूटर दीवार पर ठोक दी। बालू में कितना जोर से लगा, यहाँ पे टेंगुल आ गया। टेंगुल देख टेंगुल, अरे मतलब सूज गया है। लेकिन भिड़े इसमें गलती तेरी है। मेरी गलती है? टप्पू ने बॉल फेंका मेरे सर पर लग गया और मेरी गलती है? और नहीं तो क्या, ये आरटीओ वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हेलमेट पहनो हेलमेट पहनो, तुमने सुना नहीं है क्या? नहीं वो ठीक है, एक मिनट सिर्फ मैं बोलूंगा, अगर तुमने हेलमेट पहना होता तो तुम्हें बॉल लगता नहीं। अरे बात ठीक है भाई, लेकिन मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए पंक्चर ठीक कराने गया था तो उसके लिए हेलमेट की क्या जरूरत है? नहीं नहीं कुछ भी हो भीड़े, गलती तुम्हारी है, रूल इज रूल। और तुम तो शिक्षक हो है कि नहीं, और सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हो। ठीक है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। सेक्रेटरी होने के लिए? अरे उसके लिए नहीं भाई, हेलमेट नहीं पहनने के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मान लो अगर मैं वहां से चलकर आ रहा होता तो यही बॉल मेरे सर पर लगता ही ना। अरे कितनी कितनी जोर से लगा, तू देख यहाँ पे एक बार, तू देख देख कितना जोर से लगा है, देख यहाँ पे। ओहो देखा भिड़े तेरे सर के बाल कितने कम हो रहे हैं, कुछ कर कुछ कर। हाँ बीच में किया था मेरे वो कमला आयुर्वेदिक तेल लगाया था लेकिन उससे क्या हुआ वो मैं... अरे ये भाई इस वक्त मेरे सर के ऊपर के बाल की बात नहीं हो रही है, उसके अंदर जो चोट लगी ना उसकी बात हो रही है, और इसमें इस टप्पू की गलती है। छोड़ना भीड़े, तू जा घर पे और बच्चों तुम लोग खेलो। थैंक यू पोपट अंकल, सॉरी भीड़े अंकल। अरे सॉरी क्या, भाई घर पे जा और मालिश वालिश कर, तेरा वो है ना कमला आयुर्वेदिक तेल लगा बाम लगा, आराम कर। हाँ बेशिस्त भीड़े। क्या हुआ बॉल? पोपट अंकल सबके लिए चॉकलेट लाए। क्या अभी कितना गुस्सा कर रहे हो, शांत हो जाओ अभी, बच्चे हैं, खेलने में कभी कभी लग जाता है। अरे लेकिन ये जब टप्पू खेलता है तभी किसी को क्यों लगता है, जब ये टप्पू खेलता है तभी किसी के खिड़की के कांच क्यों टूटते, जब कोई दूसरा खेलता है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती? हा? अरे ये टप्पू की ओगो भाई क्या हुआ, काय झालं काय झालं, आपके बाल कितने कम हो गए हैं। बस तुम भी ना वो पोपटलाल की तरह मेरे बालों की फिक्र करो। कमाल है आप भी, अब आपके बालों की फिक्र मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। टप्पू जब अपने बालों को स्टाइल में फूंक भर के उड़ाता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके भी बाल टप्पू की तरह होते तो आप भी उनको स्टाइल में फूंक भर के उड़ाते थे, है ना? माधवी कॉलेज के जमाने में मेरे भी बाल टप्पू के बाल जैसे ही सिल्की थे, जब मैं ऐसे फूंक मार के उड़ाता था ना तो वो 2 फुट ऊपर जाते थे। माधवी इस वक्त मेरे बाल मेरी समस्या नहीं है, ये टप्पू मेरी समस्या है। मैं कह देता हूँ अगर आइंदा उसने कोई शरारत की या मुझे परेशान करने की कोशिश की ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे बीच में कोई भी लाल आ जाए, या पोपट लाल आए या जेठा लाल आए। अब ये लाल तेल लगाऊं? लगाओ लगाओ। अरे
कैसे हो चाचा जी? बिल्कुल ठीक। अरे बाप रे। कैसे हो चाची जी? ठीक है सर। अच्छा क्या डैडी, ये तो पॉपकॉर्न में से पोटैटो जैसा हो गया और आप कहते हैं कि बदला हो गया। मोंटी, मोंटी तू भी क्रिकेट बॉल में से फुटबॉल हो गया। एक गोली। ए मोंटी, ए गोली मोंटी। टप्पू, गोली तुम्हारे चाचा चाची है? हाँ आंटी, माधवी आंटी ये मेरे चाचा चाची हैं। अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं गजराज आती और ये मेरी पत्नी मनोरमा आती। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय जिनेन्द्र, आइए ना हमारे घर पर चाय नाश्ता करने के लिए। नाश्ता? हाँ क्यों नहीं। नहीं अरे क्या आप भी नाश्ते का नाम सुना नहीं? और बहुत जबरी लगती है। चलो सामान उतारो। हम लोग बाद में आते हैं। हाँ हाँ हाँ। हेलो बच्चों, कैसे हो? हेलो हेलो हेलो। एनीवेज मोंटी, ये है मेरे फ्रेंड्स। टप्पू, अच्छा तू अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है? वो अपने आप को स्मार्ट समझता नहीं, वो स्मार्ट है। अच्छा जो मैं कर सकता हूँ वो टप्पू कर सकता है? नहीं नहीं, तुम्हारी तरह वजन नहीं बढ़ा सकता। अच्छा टप्पू एक बात बोलो, तेरे हाथ में जो बॉल है वो मैं जितना ऊंचा फेंक सकता हूँ तू उतना ऊंचा फेंक सकता है? टप्पू से चैलेंज लगा रहा है? हाँ। चल तो ठीक है, देखते हैं किसका बॉल ज्यादा ऊपर जाता है। लेकिन बॉल पहले मैं फेंकूंगा। ठीक है ये ले। ओ इतना ऊंचा फेंक दिया दिखाई नहीं दे रहा। गोगी उसने बॉल ऊपर नहीं सोसाइटी के बाहर फेंक दिया है। मोंटी तूने जानबूझ के सोसाइटी के बाहर बॉल फेंका, जा बॉल लेके आ। मैं नहीं जाऊंगा। तुझे जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। मोंटी कपड़े बदल लो पहले। टप्पू अब बॉल तो गया, अब नहीं मिलेगा। नया बॉल था वो भी खो गया। तू फिकर मत कर गोगी, इससे मैं नया बॉल लेकर ही रहूंगा। टप्पू जाने देना, हमारे पास और एक बॉल है। तो क्या हुआ, हम हमारी पॉकेट मनी बचा कर बॉल खरीदते? छोड़ ना टप्पू, पहले से ऐसा ही है। टप्पू उसे बदल देगा। तेरा कजिन है इसलिए छोड़ दिया, अगर दूसरी बार ऐसा किया तो टप्पू से पंगा होकर रहेगा। वो सब जाने ना टप्पू। हाँ टप्पू जाने ना। ठीक है तो आज रात हम नाइट क्रिकेट के लिए मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स। ओके। तो चारों तरफ इन दिनों क्रिकेट का माहौल है। जबरदस्त क्रिकेट, मसाला क्रिकेट, ग्लैमर क्रिकेट 2020, नाइट क्रिकेट, रात्रिकालीन क्रिकेट जिसमें चौके छक्के खूब लगेंगे। आपको अपना बचपन याद आता है, जब बचपन में ये गली क्रिकेट खेला करते थे हम लोग, गिल्ली डंडा खेला करते थे, कंचे खेला करते थे, बच्चे मिलके इतने उत्साह से आयोजन करते थे कि बड़े भी मना नहीं कर पाते थे। याद कीजिए वो उत्साह। जिंदगी में इन बच्चों का उत्साह ही हम बड़ों को जिंदगी देता है। इसलिए अगर बच्चे आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में अगर इस तरह का आयोजन कर रहे हो तो उन्हें मना मत कीजिएगा। जिंदगी का सच्चा और सही रूप यही है कि हम इसे भरपूर जिएं। और इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चे भरपूर जीना भी चाहते हैं और जीवन का सबक हम सबको सिखाना चाहते हैं कि खेल को किस तरह से खेला जाना चाहिए। भरपूर चौके, भरपूर छक्के। लेकिन आप तो जानते हैं ना, गोकुलधाम सोसाइटी की जन्मपत्री में कुछ ग्रह ऐसे हैं कि कोई भी आयोजन आसानी से पूरा नहीं होता। पता नहीं इस आयोजन का क्या होगा, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.